नमस्कार, मैं रितेश आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज बात करेंगे हैप्पी की। हैप्पी एक मूवी है, G5 पर रिलीज हुई है। करीब 1 घंटा 52 मिनट की ये मूवी है। भावना तलवार इसकी निर्देशक है। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि मैं अपने रिव्यू की शुरुआत करता हूँ जो उस मूवी की या वेब सीरीज की खास बात होती है, सबसे खूबसूरत बात होती है उससे। और हैप्पी की जो सबसे खूबसूरत बात है वो है अभिनय पंकज कपूर का। पंकज कपूर बहुत ही दिग्गज कलाकार हैं। एक तरह से कहिए कि एक्टिंग की वो एक पाठशाला है, एक अपने आप में स्कूल है। बहुत ही महान कलाकार हैं, उनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। यहाँ हैप्पी के मुख्य किरदार में वो पंकज कपूर है। बहुत ही शानदार अभिनय किया है। मतलब जब भी वो स्क्रीन पे होते हैं, हालांकि अधिकतर समय स्क्रीन पे वो है इस मूवी में, आप उनसे नज़रें हटा नहीं सकते। बात करें कहानी की, तो कहानी हैप्पी की। हैप्पी जो कि एक अधेड़ आदमी है, 50 साल से ज़्यादा उम्र उसकी हो गई है, लेकिन वो मुंबई जैसे भीड़भाड़ वाले शहर में बिल्कुल ही अकेला है। उसका कोई परिवार नहीं है, कोई संगी साथी नहीं है। वो और अपने जीवन यापन के लिए वो एक कैफे में नौकरी कर रहा है। बहुत ही मामूली सी तनख्वाह उसको मिलती है और उसकी ज़रूरतें भी बहुत ही मामूली हैं। इसी में वो खुश रहने का प्रयास करता है। उसका कोई सामाजिक दायरा भी नहीं है। और हम फिर देखते हैं कि वो जो कैफे है उसको थोड़ा सा रेनोवेट किया जाता है। जो कैफ़े ऑनर है उनके जो बेटे हैं वो आते हैं, वो मैनेजमेंट अपने हाथ में लेते हैं और उसको एक्सपेंड करते हैं, रिनोवेट करते हैं। और फिर जो कैफ़े है वो एक क्लब बन जाता है। स्थिति यह होती है कि हैप्पी वहाँ एक तरह से मिसफिट महसूस किया जाने लगता है और उसे नौकरी से निकालने तक की बात होती है। फिर हैप्पी अपने लिए किस तरह से स्ट्रगल करता है और फिर इसी स्ट्रगल के दौरान उसको मिलता है उसका एक साथी। हालांकि वो साथी होता है एक पपी। अब हैप्पी और पपी मिलकर के जीवन को आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये सारी चीज़ें आप मूवी में देखेंगे। इस मूवी में जो एक बड़ा सवाल यह उठाया गया है, जो कि आपको ही महसूस होता होगा, हम अपने कार्यस्थल में अगल बगल देखते होंगे कि देखिए टेक्नोलॉजी बदल रही है, आधुनिकता हर फील्ड में आ रही है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आधुनिकता की इस दौड़ के साथ कदम ताल नहीं कर पा रहे हैं। वो एक तरह से कहीं पीछे छूट जा रहे हैं। तो फिर ऐसे लोगों का क्या होगा? अगर अब्रप्टली आप उनको बाहर कर देंगे तो फिर वो क्या करेंगे? जैसे हैप्पी के साथ होता है, हैप्पी क्लब में गाता है, चुटकुले सुनाता है, लेकिन जब मान लीजिए एक दिन ऐसी बात होती है कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, वो क्या करेगा जीवन में? तो ये एक सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए कि डेवलपमेंट हो, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ ऐसा भी ना हो कि कोई पीछे छूट जाए। स्टोरी लाइन सिंपल सी है। आप हमेशा ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हैप्पी के साथ अब आगे क्या होने वाला है। इस मूवी के साथ जो दूसरी खास बात है वो है इसका म्यूजिक। म्यूजिक दिया है इलैयाराजा ने, और इलैयाराजा के म्यूजिक के बारे में भी कुछ खास कहने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह खूबसूरत म्यूजिक इस मूवी में उन्होंने दिया है। एक खास उल्लेख मैं करना चाहूँगा वो है सिनेमेटोग्राफी का। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं मार्टिन ग्रस्प, और मार्टिन ग्रस्प ने एक दो जगह पर बहुत शानदार सिनेमेटोग्राफी का जादू यहाँ दिखाया है। खास करके वो एक दृश्य आप याद रख सकते हैं कि जो वो क्लब है, क्लब के बाहर एक गड्ढा होता है सड़क पे, उसमें पानी भरा होता है, और उस पानी में कभी वो क्लब का इमेज आता है या कभी आप हैप्पी का इमेज देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने चित्रण यहाँ किया है। एडिटिंग है आसिफ और श्रीकर की। एडिटिंग के मामले में फिल्म थोड़ी सी कहीं कहीं कमजोर दिखती है, क्योंकि कहीं आपको लगता होता है कि हाँ ये फिल्म अब थोड़ी खींची सी जा रही है। दूसरे अन्य कलाकार आपको यहाँ दिखेंगे जो हैं सुप्रिया पाठक, ऋषिता भट्ट और मनोज पाहवा। ये सारे कलाकार अपने अपने रोल में बहुत ही फिट बैठे हैं, बड़ा अच्छा इन्होंने अभिनय किया है। तो यदि आपको एक साफ सुथरी सी कहानी देखनी है, एक दिल को छू लेने वाली हल्की फुल्की कहानी देखनी है, तो आप हैप्पी को देख सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ हैप्पी का मतलब HAPPY नहीं HAPPI है। तो यदि आपने मूवी नहीं देखी है और आप सर्च कर रहे हैं तो HAPPI से ही सर्च करें।
हैप्पी के बारे में आज इतनी ही चर्चा। आगे किसी और वेब सीरीज, किसी और ऐप, किसी और मूवी की बात मैं आपसे करूंगा। तब तक आप मेरे वीडियोस को देखिए, मेरे चैनल को पसंद करिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब जरूर ही करिएगा, और यदि अभी अभी सब्सक्राइब किया है तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। धन्यवाद।